गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। क्या हाल है भाई सब के? भाई अगला दिन हो गया, उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग यांच। आठ बजे है क्योंकि लेट सोए थे। बाहर का नजारा देख लो, क्या शानदार नजारा भाई साहब। मौज बांधी, धूप भी निकल गई भाई, लेकिन शिमला में बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा। देखते हैं भाग्य क्या होगा। आज शाम तक रास्ते खुल जाएंगे, बोल रहे हैं होटल वाले, अभी कुछ क्या है। लेकिन एक बार और कंफर्म करेंगे भाई। देखो भाई, आपने वहां पर बंदे दिखे रहोगे, चलो आओ उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। कोई नहीं है भाई, सब बाहर है लगता, धूप में खड़े हैं। ये कमरे दे दो। अयांची अयांची, हेलो कर दो। अयांची हेलो, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर। ओए अयांची, आजा, भाग क्या हो, भाग क्या, भाग क्या, भाग क्या, भाग क्या, भाग क्या, भाग क्या। जहरी स्माइल तेरी, देख लो भाई, ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। और भाई ग्रीनरी तो इतनी है, चाहे अपना उड़ा पड़ के सो जाऊं। इस पर सोया जाता हो तो बात तो सही है। दादू को कभी ला रहे हो यांश? दादू को कभी ला रहे हो हैं? दादू को कभी ला रहे हो? अब शिमला जाएगा लैडी हो गया बच्ची। कैप पहन के दिखा दे, कैप कैप पहन के दिखा दे। ओए ओए ओए, मेरा विक्की माउस। क्या बोला तूने? अभी बेकाची भाई ना लिए। एक चलते हैं नीचे, मशरूम की खेती होने लग रही है, वहां पर जान लग रही है भाई। चलते हैं भाई नीचे, मशरूम की खेती देखेंगे। मशरूम अपने हरियाणा में उगा रहे हैं। यहाँ पर मशरूम की खेती है भाई। भाई अंकल जी बताते हैं। लो अंकल जी बता, कैसे क्या होता है अंकल जी? ये जो तूड़ी होती है, अच्छा अच्छा, तूड़ी का भूसा, अच्छा, उसको साड़ते हैं, अच्छा अच्छा, तो फिर टर्निंग देते रहते हैं इसको। ठीक है अंकल जी, चौथे दिन की, तीसरे अच्छा दिन की, चौथे दिन की। हाँ जी, जब ये पक जाती है, इसकी गैस अमोनिया गैस निकलती है इसमें से, जब ये खत्म हो जाती है, अच्छा जी, तो उसके बाद इसको चैम्बर में डालती है, चैम्बर। अच्छा जी, अच्छा। अब चलते हैं ऊपर, नहा लिए थे, अब नाश्ता करते हैं। होती है भाई मशरूम की सफाई, फिर यहाँ से पैकेट बनते हैं। आंटी जी बना रही है, भाई बना रहे हैं पैकेट मशरूम के, तो अब ये मार्केट में बिक जाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सीलिंग हो रही है, भैया कर रहे हैं। लो जी ये पैकेट बन गया भाई मार्केट में। 200 ग्राम की पैकिंग, अच्छा 200 ग्राम की पैकिंग है भैया। भाई ये देख लो, 5 किलो की पैकिंग हो जाती है भाई, जैसे कस्टमर बोलते हैं, मंडी में जो डिमांड आती है भैया उसी हिसाब से कर देते हैं। यहाँ पे शॉप भाई सत्यम होम स्टे, ये भाई एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तालिया, आलू के परांठे, दही और चाय, अचार। चेक इन कर दिया है, नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करके बैग वगैरह सारे तैयार है, जा लिए बाहर है सब। सफाई करवाना, ठीक है अंकल जी, मैं चलते हैं। ओके ओके, चलना नहीं है, हैं? चलना नहीं क्या? चलना नहीं। भाई सोलन में रुके हैं फिलहाल, यहाँ तो शिमला जाऊंगे क्योंकि भाभी के जूते टूट गए थे, तो जूते लेने लग रहे हैं। जो भाई कल पूरे रोड पर बर्फ ही बर्फ थी, आज वह पिघल गई है, शिमला का रास्ता भी खुल गया है, तो अब देखते हैं। मम्मी के लिए लिमका भी ले जानी है। मौसा जी पापा एक लिमका ले लियो, मम्मी खातर लिमका ले लियो एक। शिमला तो नहीं पहुंचा, अशोकी से, अशोकी से पिछले 2 किलोमीटर के किसी से वापस ले लिया। अगर आपने शिमला घूमना है ना, आपको मैं एक राय दूं,
अपनी गाड़ी निकालो ना कहीं साइड में, ट्रेन में बैठो, ट्रेन सीधी रेलवे स्टेशन शिमला पहुंचेगी और वापसी में उसी में इधर को आ जाओ। ट्रेन कौन सी, छोटे वाली ट्रेन? छोटी ट्रेन चलती है ऊपर से। कहाँ से कितना, कहाँ पे स्टेशन? वहाँ पता करे, अभी ट्रेन आएगी, अभी ट्रेन पहुंचेगी शिमला तक। अच्छा, बाकी नहीं पहुंचेगा भाई। आज हम बता रहे थे कि शिमला में तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और वो ओस पर लग कर वो कांप हो रहे हैं, तो अब देखते हैं ट्रेन में जाएंगे, वो छोटे बच्चे वाली ट्रेन होती है, यहाँ से ऊपर स्टेशन पे जाऊंगे एक बार। भाई स्टेशन पे जान लग रहा है ट्रेन पूछने, तो अब चलते हैं। भागो भागो, पेंट लिखड़ गई। बहुत प्यारी ट्रेन है भाई, हम तो नहीं बैठ पाए ना, हमारी टिकट हो भाई। ये बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है यार, ये कितनी औसम है यार। यतीश वेदी, हेलो भाई। अब शर्माओ मत। नहीं मैंने ले ली। देख लो भाई, अमृत बहन लग रहा है पहाड़ा मत, शुद्ध पानी है भाई, किते का बिसलेरी पिछलेरी कोई काम नहीं आता, जो पानी सब शुद्ध है। यो भाई अमृत पी गया सारा पहाड़ा का। मजा आया। हेलो, ट्यूशन पे जा रही हैं भाई लड़कियां, देख लो कितनी कठिनाइयों भरा जीवन है यहाँ का। देख लो भाई श्री राम मंदिर जान लग रहा है, बीच माँ के देवों के देव महादेव मेरी जान, महादेव महादेव भाई राम मंदिर आए हैं। मुड़ो यहाँ से, चलो अंदर, चलो अंदर। ओए नीचे तू साले, कर जय जय जय। देख लो भाई, भाई भाभी की बेल्ट पहन रहा है। मजबूरी देख ले, तो पहन रहे, तो पहन रहे हैं भाई, मजबूरी है क्योंकि भाई भाई की बेल्ट मन ले ली थी तो भाई ने भाभी के लिए। देख ले फैशन, चल मां आजा। ना सांस भरा चढ़ा तो, कृपया जूते उतारे, मेरे पर का कोई ले जाएगा। झूठ बोल रहा है। जवान जवान पहले चलो, जवान पहले चलेगा। मंदिर का फर्स्ट लुक, गजब का लुक, क्या शानदार लुक है। मंदिर में घुसते ही पहले गए हैं कि मंदिर में क्या क्या है। श्री राम परिवार, भगवान परशुराम जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। ये भाई आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। भाई अब यहाँ से वो कहाँ जाना है वो पूछ रहे हैं पुलिस वाले अंकल से, कंडा घाट से भाई स्लोगड़ा, फिर वहाँ से हेरिटेज चलते हैं। वहाँ पे है अपनी गाड़ी, वो दिख रहा है अंश, अब चलते हैं सीधा नीचे। भाई यहाँ पे आए हैं हेरिटेज पार्क में, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। आप सबने मंदिर देख लिया होगा, काफी भव्य मंदिर था, मजा आ गया दर्शन करके। तो ये भाई बाहर का लुक, आरती हो रही अंदर, यहाँ से देखते हैं अंदर आरती हो रही है। अयांश की मस्ती देख लो भाई, अयांशी नींद आ रही है, नींद आ रही है अयांश। अब
अब उठ ले, उठ ले बेटा। भाई नीचे, क्योंकि मंदिर देख लिया, पूजा भी कर ली, आरती चल रही है, लेकिन रात हो रही है तो निकलना भी भाई क्योंकि डेंजरस रास्ता है पहाड़ों से का, पहाड़ों का डेंजरस ही होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डेंजरस है। मम्मा उतर रही है, अब चलते हैं जूते पहनने, फिर चलते हैं अपना फ़ोटो खींचेंगे। आप अपना जहाँ बर्फ़ देखने आ रहे हो वहाँ पूजा भी ज़रूरी है, मंदिर भी ज़रूरी है। मंदिर भी काफ़ी भव्य हैं, अच्छे हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे मंदिर हैं। तो अपना जहाँ बर्फ़ इंजॉय कर ली वहाँ पे भाई मंदिर में भी ज़रूर आएँ। हमें पता नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, मंदिर में अच्छा लगे, वीडियो में अच्छा लगे, तो यहाँ पे ज़रूर आना भाई, अपना दर्शन करना मंदिर के। बर्फ़ तो आपने देख ही ली होगी जब भी, तो आप यहाँ पे आ रहे हैं। जूते पहन लिए भाई, अब करते हैं यहाँ फोटोशूट, क्योंकि एक नंबर का नज़ारा है। फोटो वगैरह ले लिए, अब चलते हैं नीचे क्योंकि रात हो रही है, जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे मुश्किल होगी। तो लोगों का यहाँ फोटोशूट चल ही रहा अभी तक, ये देख लो लड़कियाँ हल्की पोज होते हैं भाई इनके, इन्होंने भी चलने की तैयारी कर दी भाई। भाई तो अब चलते हैं भाई सीधा अपने घर। अगर शिमला जा पाते, वहाँ पे स्नोफॉल इतनी नहीं हो पाती, तो हम शायद हम तीसरा दिन भी वहाँ पे रुकते, आज का दिन रुकते, लेकिन अब वहाँ पे नहीं जा पाए। तो यहाँ पे जो मेन जगह थी भाई वो हमने सब घूम ली है। तो अब चलते हैं सीधा, पहले तो सोनल जाएंगे, फिर वहाँ से अपना चंडीगढ़ के रास्ते से चलते हैं घर की ओर, फिर खाना देखते हैं कहाँ खाएँगे। लेकिन मज़ा आया भाई, परेशान भी हुए लेकिन मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा। पहाड़ी रास्तों पे थोड़ी सावधानी रखें, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो भाई अपना संभल के चलाएं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है भाई। दो बंदे थे भाई गाड़ी में, तो दोनों बंदे, एक तो बिल्कुल ठीक है, एक के थोड़ा बहुत ब्लड आया है। तो अभी चलते हैं, गाड़ी हमने उठवा दी है। यहाँ पर आ गए चंडीगढ़, टाइम हो रहा है 9:15, शिव गोरख ढाबा। तो अब खा लें भाई खाना, क्योंकि बहुत भूख लग रही है भाई। गाड़ी में खाया था थोड़ा बहुत, बाकी सुबह ही खाया था क्योंकि घूम ही रहे थे सुबह से। तो भाई खाना खा लें। हाँ जी दोस्तों, तो भाई खूब एंजॉय किया भाई टूर पे, परेशान भी हुए लेकिन मस्ती भी खूब की। तो भाई हम आ गए हैं फिलहाल घर पे, अभी आए हैं भाई, जस्ट रात के बज रहे हैं 1:30, और अब कपड़े चेंज करके भाई सोते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम, सत श्री अकाल, जय बाबा की, गुड नाइट।